हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे टीवीएस का नवीन टीवीएस शोरूम में आज हम आए हैं। और मेरे सामने अभी देखिए आप की देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बाइक की है या स्कूटी है। तो वो देखिए सामने खड़ी है टीवीएस की न्यू जुपिटर। तो आपको फुल रिव्यू देते हैं और बताते हैं आपको टीवीएस जुपिटर की जो 110 सीसी की आई है उसके बारे में पूरी फीचर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए की सबसे बात की जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके देखिए, फर्स्ट देखिए यहाँ पर स्टील बॉडी का मटकार दिया गया है। ये देखिए स्टील बॉडी है, फुल स्टील दिया है देखिए थोड़ा। और ऊपर आए तो ये देखिए पूरा कार्बन फिनिश के साथ इसका बॉडी दी गई है। कार की जाए तो वहीं टायर आपको मिल जाता है, 90-90-12 का साइज़ मिलता है। और वहीं पर टेरपिक सस्पेंशन इसमें दिया गया है। तो वहीं बात की जाए इसके फ्रंट के जो हेडलाइट है मेन, तो दिखाते हैं आपको जला के बाद, LED सेटअप के साथ दिया गया है। तो ये देखिए अब दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं आपको ये देखिए पूरी LED सेटअप के साथ दिया गया है। ये आपका ये लो बीम हो गया है और ये हाई बीम, तो काफ़ी अच्छी लाइट सस्पेंड लाइट है, LED काफ़ी अच्छी है। और वहीं बात की जाए वहीं पे देख सकते हैं आप LED सेटअप, यहाँ पर पूरी रिंग लाइट जैसी कुछ दिया गया और इसी में इंडिकेटर भी ऐड किए गए। तो आपको दिखाते हैं फर्स्ट आपको इसकी पूरी रिंग लाइट, ये देखिए आपको रिंग लाइट काफ़ी अच्छी गाड़ियों में, ये 15-20 लाख की गाड़ियों में ये फीचर दिया जाता है, रिंग लाइट जैसी दी गई। और वहीं बात की जाए इसमें साथ में ही इंडिकेटर भी दिया गया, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए इंडिकेटर, ये इसी जुपिटर 110 सीसी में ही आपको न्यू फीचर मिला है। काफ़ी देखिए LED काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर। तो और इसमें हैजार्ड का भी ऑप्शन साथ में ऐड किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा आप अगर पे कर रहे अगर आप इस स्कूटी को परचेज़ करते हैं तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। काफ़ी अच्छी स्कूटी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में कलर मीटर की बात की जाए। देखिए आप डिजिटल मीटर आया और कलरफुल डिस्प्ले के साथ आया, देखिए तो इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं। आप देख सकते फ्यूल का है और ट्रिप और रेंज, और देख सकते हैं आप पूरी कलरफुल डिस्प्ले हैं। और बात की जाए इसके और फीचर, तो वहीं बात की जाए इसके देखिए बटनों की बात की जाए इसके, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए ये लो बीम और हाई बीम का है, और वहीं पर हैजार्ड का ऑप्शन भी दिया गया, देख सकते हैं फ्रंट में दिखा देते हैं हैजार्ड इस वक्त वर्क कर रहे। तो वहीं की जाए बात इन बटनों की बात, तो जैसे ही आप ये ए पर लाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी ट्रैफिक में बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप एक्सेलेटर देंगे वैसे ही ये बाइक रन करने लग जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है। और वहीं हॉर्न की आपको एक बार साउंड सुनाते हैं जो इसमें मिला है जाग। तो वहीं बाइक का चल स्कूटर का हॉर्न सुनाता हूँ, तो स्कूटर के हॉर्न की हॉर्न सुनाते हैं आपको। काफ़ी अच्छी लाउड साउंड है इसकी, और काफ़ी लाउड है, ज़्यादा नहीं है। और देखिए अब मेरे बटन, उसमें वॉइस कमांड का ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें आप वॉइस के द्वारा अपने स्कूटी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें चार्जिंग के लिए भी पॉइंट दिया गया है, देखिए आप काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया अगर आप अपना पर्स फ़ोन रखना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ आती है। तो वहीं पर देखिए आप यहाँ पर फ्यूल का ऑप्शन फ्रंट में ही दे दिया है, और ऐसे आपके जुपिटर में पीछे होता था लेकिन। और इसका टैंक की बात की जाए, टैंक 5 लीटर का टैंक गया है, और वो टैंक इस वक्त इसके बॉडी के नीचे दिया गया है, तो और नीचे से पूरी मेटल बॉडी दी है जिससे आपके टैंक में कोई हुक दिया गया है यहाँ पे, अगर आप सामान वगैरह यहाँ पर कैरी करना चाहते हो कुछ, तो यहाँ पर इसका भी हल्का सा 3 kg तक आप सामान यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो वहीं पर इसके बूट स्पेस की बात की जाए, तो ये देखिए आपके सामने काफ़ी बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, तो इसमें आप 2 हेलमेट रख सकते हैं अपने, और अगर आप इसमें अपने 2 हेलमेट रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखिए आप, अगर आपके पास कुछ बड़ा हेलमेट है और वो अगर इसमें नहीं आ रहा तो पुश करने पर इसमें कोई खरोच नहीं आएगी आपके हेलमेट पे, तो काफ़ी सेफ रहेगा आपका हेलमेट। तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इस स्कूटी में। इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो 32 लीटर का स्पेस दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है।
स्कूटी में। और यहाँ पर आप अगर अपना सिलेंडर वगैरह कैरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन और स्कूटी में ये नहीं होता था कि आप सिलेंडर इसमें नहीं आता था, तो लेकिन इसमें सिलेंडर आप कैरी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी फीचर है। तो वहीं इंजन की बात की जाए तो 113 सीसी का इंजन इसमें कंपनी द्वारा दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी पावर निकाल के देगा ये स्कूटी। तो ये आपको टायर फ्रंट और बैक टायर सेम साइज़ का है, 90-90-12 का इसमें टायर पड़ता है। तो और यहाँ पर ये अभी बेस मॉडल है हमारे पास आया हुआ, तो जो हमारा टॉप मॉडल है उसमें आपको फ्रंट डिस्क मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी है। और इसमें स्टैंड की बात की जाए, स्टैंड देख सकते हैं, डबल स्टैंड आपको कंपनी देती है, लेकिन आप अगर साइड स्टैंड लेना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज में आपको ऐड किया जाएगा, अगर आप एक्सेसरी एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो उसमें मिलेगा आपको। तो वो काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन मुझे लगा कि कंपनी ने थोड़ा सा वहाँ पर आनाकानी आपकी किक गायब कर दी थी, लेकिन अब यहाँ फिर से जुपिटर 110 में वो किक वापस आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बार मैं दिक्कत का सामना कर रहा हूँ, उसकी किक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रंट की लुक के बारे में बात की जाए तो काफ़ी अच्छा लाइट है, देखिए आप बैक लाइट आपकी देखिए पूरी LED लाइट के साथ दी जाती है, तो एक बार आपको जला के दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए अभी ऑन किया, देखिए ये देखिए लाइट काफ़ी ब्राइट है, और वहीं पर आपके LED इंडिकेटर के साथ आती है, तो देखिए आपको चारों इंडिकेटर इस वक्त ऑन कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी लुक लग रही है गाड़ी की तरह, कुछ अलग सा लुक दे रही है गाड़ी हमारे। इसकी एग्जॉस्ट साउंड की बात तो आपको सुना के दिखाते हैं एक बार, तो देखिए काफ़ी साउंड इसकी काफ़ी अच्छी साउंड है। तो वहीं पर एक फीचर आपको दिखाता हूँ मैं, साइलेंट स्टार्ट भी है, और अगर आप एक सन से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फीचर दिखाते हैं। देखिए अभी बंदे ने एक्सेलेटर दिया है तो एकदम से देखिए इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर जल चुके हैं अपने ऑटोमेटिक, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपके चारों इंडिकेटर एकदम से जल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा फीचर है 110 की सीसी में। तो वहीं बात की जाए इसके जुपिटर 110 सीसी के बाइक की, तो ये आपको एक्सोरूम 84,000 की पड़ जाएगी, तो और ये अगर आप डाउन पेमेंट पे लेना चाहते हैं तो 10,000 से लो प्राइस स्टार्ट होता है इसका। तो शोरूम की बात की जाए तो ये आपका कुनिहार में बाय में पड़ता है, देखिए आपके सामने नवीन TVS, तो देख सकते हैं आप चारों तरफ का व्यू कहाँ पर ये लोकेशन है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और अपनी मनपसंद कोई सी भी बाइक और जुपिटर 110 सीसी की जो नई न्यू ही लॉन्च हुई है तो इसे ले सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। तो आपको कॉन्टैक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा जो राइटिंग रिव्यू है जुपिटर 110 का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।